जब भी कोई ओकेजन होता है तो हमारे घर में पूरियों की ना बहार सी लग जाती है। केवल फेस्टिवल्स में या फिर कुछ अच्छा सा ओकेजन होता है या फिर कुछ अलग खाने का मन करता है तभी हमारे घरों में पूरी परांठे इस तरह से चीज़ें बनती हैं। परांठे तो फिर भी ठीक है, ऑलमोस्ट हर घर में रोज़ बनी जाते हैं सुबह में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, बट पूरियाँ ना जैसे कोई त्यौहार आया, कुछ भंडारा वंडारा करना है घर पर, भोज वोज करना है या फिर कोई गेस्ट आ रहे हैं तब हम पूरियाँ बनाते हैं। सो पूरियाँ हम सब ने बनाई हैं, खाई भी हैं, लेकिन आज मैं जो पूरी बनाने वाली हूँ ना वो ना केवल हेल्दी है बल्कि टेस्टी भी बहुत है। और ये ना पूरी मतलब जो आपकी नॉर्मल पूरी होती है ना उसको फेल कर देगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और पालक की पूरी। मैं इसको पालू बोलने वाली थी क्योंकि पालक का पा और आलू का लू मैंने मिक्स कर दिया और मेरे मुंह से निकलने वाला था पालू, बट मैंने किसी तरह टंग ट्विस्टर को रोक लिया और मैंने इसको कर दिया आलू और पालक। तो वैसे तो आप पालक की पूरी बिना आलू के भी बना सकते हो, बट आज मेरा मन कर रहा था कुछ मतलब थोड़ा सा अलग सा खाने का, तो इसलिए मैंने पालक पूरी ना बनाकर उसमें आलू भी मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि पालक ले लिया है, पालक को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया था, उसकी जो मोटी मोटी डंडियाँ थी वो काट दी थी और इसको मैंने ब्लांच कर लिया है पालक को, मतलब थोड़ा सा देर गर्म पानी में डुबो के उसके बाद मैंने इमिडिएटली इसको ठंडे पानी में डाल दिया। ये प्रोसेस करने से ना बस ये होता है 2 मिनट का प्रोसेस होता है, बस इसमें इतना होता है कि आपका जो पालक का जो कलर है ना थोड़ा सा गर्म करने के बाद वो चेंज हो जाता है अगर आप इसको ठंडे पानी में नहीं डालोगे तो। लेकिन अगर आप इसको ठंडे पानी में इमिडिएटली डाल देते हो ना निकाल के, तो इसका पालक का जो हरा हरा कलर है ग्रीन ग्रीन सा बिल्कुल कंट्रास्ट टाइप का वो बिल्कुल रहता है इंटैक्ट। तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया है अपने मिक्सर में और इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने डाला है अदरक। तो इसको इसका ना मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी पूरा। और अगर आप चाहें विदाउट ब्लांच करके, मतलब आप नहीं चाह रहे सारा झंझट करना कि नहीं उसको गर्म पानी में डालो फिर ठंडे पानी में डालो, तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, पालक को अच्छे से धो लो और धोने के बाद आप इसमें क्या करो, इसको बस इसकी प्यूरी बना लो, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। और चूंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और पालक की पूरी, तो मैंने यहाँ 2 आलू ले लिए हैं, उनको क्यूब साइज में काट के और उसको मैंने सेम जार में डाल दिया है। बट इवेंचुअली क्या हुआ ना कि आलू की क्वांटिटी कम थी और जो जार था वो बड़ा था, तो मैंने इसको छोटे वाले जार में शिफ्ट किया और उसके बाद मैंने इसकी प्यूरी बनाई। तो ये तो इसलिए थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन सी है क्योंकि मैंने पहले इसको पालक वाले जार में डाल दिया था। तो ये मेरी आलू और पालक की प्यूरी है। इसमें अगर आप चाहो तो कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे प्याज भी ऐड कर सकते हो, बट प्याज की ना प्यूरी मत बना देना प्याज ना कचर कचर जब तक दांत के नीचे नहीं बोलती ना तब तक मज़ा नहीं आता। तो प्याज को बारीक बारीक करके आप काट के डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 से 3.5 कप आटा क्योंकि मुझे ज़्यादा बनानी है और मेरा पेस्ट भी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। लेकिन अगर आपको कम लोगों के लिए बनानी है तो आप पेस्ट को भी बचा सकते हो, आप बाद में यूज़ कर सकते हो या फिर आप अकॉर्डिंगली पेस्ट डालना, क्योंकि इसमें ना जब मैंने ये पेस्ट डाल दिया था उसके बाद मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मैंने इस पेस्ट में ही पूरा आटा मल गया था, ठीक है। तो इसमें मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है और हल्दी डाला है और ये थोड़ा सा घर का बना हुआ एक जीरा और काली मिर्च का मैंने पाउडर बनाया था रोस्ट करके, तो मैंने वो डाल दिया। अगर आप चाहें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, कुछ और डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, तो इट्स अप टू यू, मतलब जो जो आपको मसाले डालने हैं वो आप डाल सकते हैं। मैंने बस इसमें, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली का पहले यूज़ कर लिया था तो इसलिए मैंने मिर्च नहीं डाली है। तो इसको हम डो मेरा तैयार हो गया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक करके रख दूंगी रेस्ट करने। इतने मैंने साइड में चढ़ा ली थी अपनी कढ़ाई और उसमें मैंने डाल दिया था तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, ठंडे तेल में पूरियाँ नहीं डालनी है अदरवाइज़ वो फूलेंगी नहीं, तो मीडियम टू हाई फ्लेम ही रखना आप और उसके बाद आप अपनी पूरियाँ डालते जाना। यहाँ पर आज मैंने क्या करा ना कि मेरी जो सासू माँ है तो उनको मैंने देखा था, ऑल्दो मैं तो अपनी मम्मी की तरह ही बनाती थी, जैसे मम्मी एकदम सिंगल सिंगल लोई लेकर उसके बाद बेलने लगती थी, बट मैंने अपनी सासू माँ को देखा था वो क्या करती थी, वो बड़ी सी लोई बनाकर उसके बाद उसके छोटे छोटे मतलब या तो उसको ग्लास से या फिर कटोरी से जो धारदार टाइप की होती है उससे काट लेती, तो वो सिंपल मतलब एक ही साइज़ की और बहुत ही क्यूट क्यूट सी बनती थी। तो इसलिए मैंने आज वैसे ही करा है ना, कुछ कुछ स्टार्टिंग में मैंने वैसे बनाई थी और लास्ट में मैंने सिंगल सिंगल लोई बना लेकर बनाई। तो ये बनाना बहुत ईजी होता है और
बहुत टेस्टी लगती हैं जब इसमें पालक तो है ही और आलू के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाता है। साइड में मैंने जो है अपनी नारियल, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी भी तैयार कर ली है, क्योंकि मेरे को ना पूरियाँ चटनी से, अचार से, चाय से या फिर आलू और टमाटर की सब्जी हो उससे बड़ा अच्छा लगती है, मतलब पूरियाँ मेरे को, तो इसलिए मैंने वो भी तैयार कर लिया साइड में। और यहाँ धीरे धीरे आप केयरफुली सारी पूरियों को डालना, मतलब क्योंकि पूरी डालते टाइम ना क्या होता है, छींट आने का डर रहता है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि बहुत आराम से केयरफुली डालना है, बिल्कुल उससे को ना साइड से लगा कर डालना, ऐसे नहीं कि ऊपर से छोड़ दी पूरी, है ना, साइड से लगा कर डालना। और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अगर आपको आलू इसमें नहीं मिक्स करना है तो सिंपल आप इसको पालक की पूरी भी बना सकते हो, आप इसमें पालक डाल दो और उसके अलावा आप में प्याज डाल सकते हो क्रंची टेस्ट देने के लिए, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं, झटपट बन जाती हैं। और मेरी तो अब क्या है ना कि अगर इस तरह से आप पालक, मतलब बहुत सारे लोग पालक नहीं खाते, बच्चों को स्पेशली पसंद नहीं होता, नहीं पालक नहीं खाना, आप ही नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मेरे साथ भी ऐसा होता था बचपन में, मेरे को पालक का नाम सुनते ही ना, इवन अभी भी कभी कभी हो जाता है कि जब भी घर में मतलब चांस आते हैं ना कि नहीं आज हरी सब्जी कुछ मंगाते हैं पालक, तो थोड़ा सा देर में ना मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है कि नहीं पालक नहीं खाना, कुछ और खाना है, मतलब इस तरह से वो एक पता नहीं क्या है हम लोगों के अंदर, इंडियंस के अंदर, कि थोड़ा सा दूरी भागते हैं हरी सब्जियों से। तो अगर इस तरह से आप बनाकर खाएंगे तो एक तो ऑब्वियसली आयरन की कमी भी पूरी हो जाएगी, ग्रीन वेजिटेबल्स आपके पेट के अंदर ना चली जाएंगी, है ना, तो इस तरह से आप बना के खाओ, बच्चों को खिला सकते हो। और अगर आप पूरी के फॉर्म में नहीं बनाना चाह रहे उससे, तो आप सिंपल आप इसको रोटी, इसकी रोटियाँ भी बना सकते हो, है ना, बस पालक को आटे में मिक्स करके और रोटियाँ बना सकते हो, जिसको हम ग्रीन ग्रीन रोटियाँ बोलते हैं। तो आई होप आपको ये जो पालक की आलू और पालक की जो पूरी है वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे साथ जुड़े रहना। मैं मिलूंगी अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।